झारखंड में शराब घोटाला मामले में ईडी का एक्शन जारी है। इस सिलसिले में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई। दरअसल झारखंड में सरकारी शराब ठेकों में घोटाले का आरोप लगा। इस मामले में ईडी की ये छापेमारी रांची में अलग अलग जगहों पर चल रही है। जानकारी के मुताबिक आईएएस विनय चौबे समेत कुछ अधिकारियों के घर पर छापे पड़े हैं। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी की गई। इसके साथ ही घोटाले के आरोपों में घिरे अधिकारियों के चार्टेड अकाउंट के घर पर भी छापेमारी की गई है। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए 2050 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ साथ झारखंड के आईएएस और तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे को भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही घोटाले के आरोपों में घिरे अधिकारियों के चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर छापेमारी की गई है। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर 2050 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में रायपुर में ये मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है और अधिकारियों के साथ झारखंड के आईएएस तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे को आरोपी बनाया गया है। तो आईएएस विनय चौबे समेत कुछ अधिकारियों के घर पर ईडी की रेड, शराब घोटाले पर रेड जारी है। ईडी का एक्शन लगातार जारी है। तो चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन, छत्तीसगढ़ में ये मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद लगातार ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आईएएस विनय चौबे समेत कुछ अधिकारियों के घर पर ईडी मौजूद और वहां पर रेड डाली जा रही है। सरकारी शराब ठेकों में घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें आईएएस विनय चौबे को मुख्य आरोपी बनाया गया है और ऐसे में शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। सरकारी शराब ठेकों में घोटाले का आरोप है। छत्तीसगढ़ में यह मामला दर्ज किया गया था। आईएएस विनय चौबे आरोपी बनाए गए थे, जिसके बाद से ईडी का एक्शन जारी है। और रांची में, झारखंड में शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन जारी है। इस सिलसिले में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी भी की गई। दरअसल झारखंड में सरकारी शराब ठेकों में घोटाले का आरोप लगा है और इस मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आईएएस विनय चौबे के घर और कई अधिकारियों के घर पर ईडी की रेड जारी है। तो ईडी की छापेमारी रांची में अलग अलग जगहों पर चल रही है और लगातार ईडी का एक्शन जारी है। विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। ईडी का एक्शन इस पूरे मामले पर जारी है। जानकारी के मुताबिक आईएएस विनय चौबे समेत कुछ अधिकारियों के घर पर ईडी के छापे पड़े हैं। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के घर पर भी छापेमारी की गई है। इसके साथ ही घोटाले के आरोपों में घिरे अधिकारियों के चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर भी ईडी ने दस्तक दी है, छापेमारी की गई है। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर 2050 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने यह मामला दर्ज किया था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से जुड़ चुके हैं और वही मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ मौजूद है। मनोज, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही ये मामला दर्ज किया गया था। आईएएस विनय चौबे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। श्रुति, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उन पर आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि बड़े घोटाले शराब आबकारी विभाग से तमाम घोटाले की बात सामने निकल कर आई है और उसको लेकर जो है ईओडब्ल्यू ने उस पर एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें ये वर्तमान सचिव जो है आईएएस अधिकारी है विनय चौबे, उनके ऊपर संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह उनके ऊपर और तमाम कई लोग इसमें शामिल थे। करीब हजारों करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में ये शराब आबकारी नीति के तहत किया गया था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि आबकारी नीति को परिवर्तन करके जो लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, तो इसकी
ईओडब्ल्यू ने इस पर मामला दर्ज किया था। उसी के तहत आज छत्तीसगढ़ और झारखंड में बड़ी कार्रवाई ईडी की सुबह से चल रही है। अभी ये जानकारी, पुख्ता जानकारी भी नहीं मिल पाई है कि किन किन ठिकानों पे किसके किसके यहाँ छापेमारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड समेत छत्तीसगढ़ में कई बड़े अधिकारियों के यहाँ, साथ साथ जो बाहर संचालक है उनके यहाँ और कुछ आबकारी अधिकारियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई चल रही है। जी अजय, क्योंकि झारखंड में भी शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है, शिकंजा कसा जा रहा है, कहां कहां पर आज छापेमारी की जा रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर जो है ईडी जो है दस्तक दे चुकी है झारखंड में। आप सकते हैं कि झारखंड के सबसे बड़े सीनियर अधिकारी जिले कुमार चौबे के यहाँ आज ईडी दस्तक दी। उनके करीबी जो है जो गजेंद्र सिंह जो सचिव हैं उनके यहाँ भी और उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी इसी तरीके। देखिए, यह मामला छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई थी और इसी दर्ज को लेकर के लगातार आपने पिछले दिन देखा होगा कि 23 अगस्त को झारखंड में ईडी जो है कई स्थानों पर उन्होंने छापेमारी की, यानी 32 जगहों पे उस समय की थी और उसमें सारी चीजों जो दस्तावेज जानकारी मिली थी। उसके बाद जो है वो मामला जो है तुल को धीरे धीरे पकड़ने लगा, जिसमें आप समझ सकते हैं कि मंत्री के पुत्र डॉक्टर रमेश्वर उमराव के मंत्री के पुत्र को भी इसी मामले को लेकर के पूछताछ की गई थी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये 100 करोड़। बिल्कुल अजय, कितने बजे से ये छापेमारी की जा रही है? क्या अभी भी ईडी के अधिकारी वहाँ मौजूद है और क्या कुछ दस्तावेज बरामद किए गए? देखिए, सुबह की ईडी टीम इन तमाम जगहों पे ईडी पहुंची और छापेमारी अभी तक जारी है। देखिए, हालांकि इसके लेकर के अधिकारी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली, लेकिन ईडी की टीम वहां पहुंच करके अभी तक जो छापेमारी की दस्तावेज आज है और वो सारी तमाम और चीजें वो दस्तावेज खंगाल रही है। अब देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे जो समझ सकते हैं कि सीनियर अधिकारी विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री के एक प्रधान सचिव भी हैं और वैसे उनके यहाँ चुनाव के पहले इस प्रकार की ईडी की दस्तक देना निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा कर रहा है और निश्चित आगे वाले समय में मुझे लगता है कि इस प्रकार की बड़ी घोटाले का सामना सामने आ सकता है। बिल्कुल अजय, क्योंकि ईडी का एक्शन भी लगातार जारी है और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने, ऐसे में सियासत में ये भी सवाल मंडराने लगे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि ईडी का एक्शन इसलिए जारी है क्योंकि राज्य में चुनाव है, तो इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज नजर आ रही है। निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष इस पर किसी भी ये चीजें वो निश्चित सवाल ये खड़ा करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन यह मामला ये जो कि 2023 का है और 23 में ही जो छत्तीसगढ़ में जो मामला दर्ज की गए, तो उसके आधार पर यहाँ ईडी ने पिछले साल में कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलाफ अभी भी मामला कार्रवाई चल रही है। तब देखना पड़ेगा कि तमाम ये शराब घोटाले को लेकर के लगातार इस पर विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है, जिस प्रकार से राज्य को शराब नीति घोटाले में जिस प्रकार से 100 करोड़ से अधिक करोड़ के रूप में नुकसान जो की गई है, निश्चित रूप से इसकी भरपाई के लिए विपक्ष जो है किसी भी राजनीतिक मीडिया। बिल्कुल अजय, ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि छापेमारी जारी है, ऐसे में क्या कुछ दस्तावेज सामने आते हैं देखना अहम होगा। मनोज, शराब घोटाले मामले में रायपुर में ही आर्थिक अपराध शाखा ने यह मामला दर्ज किया था, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ खुलासे सामने आए? जी श्रुति, आपको बता दूं कि ये जो छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाला हुआ था, इसमें कई बड़े अधिकारी भी अभी जेल में भी बंद है और साथ ही साथ कई कारोबारी भी इसमें लिप्त थे, जो अभी जिसको ईडी और ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसा था, तो फिलहाल पहले से भी कुछ लोग इसमें जेल में बंद है। और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये शराब घोटाला बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया था, जिसमें काफी लोग जेल में बंद है और उसी सबके तहत इसमें जो FIR दर्ज हुआ था, तत्कालीन सचिव है विनय चौबे जी उनके खिलाफ और संयुक्त सचिव है गजेंद्र सिंह उनके खिलाफ और इसमें तमाम अन्य लोग हैं, जिसके ऊपर ये छापेमार कार्रवाई आज बड़ी संख्या में झारखंड समेत छत्तीसगढ़ के कई ठिकानों पर, जिसमें कई शराब कारोबारी है जिनके यहाँ ये सूत्रों से जानकारी मिल रही, वहां भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। अभी ये सुबह से जो है छापेमार कार्रवाई चल रही है, अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। शराब घोटाले मामले में लगातार ईडी का एक्शन जारी है, इसमें देखना बेहद दिलचस्प होगा मनोज कि क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका, मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।